सपा परिवार में शिवपाल के बयान से भूचाल। शिवपाल ने कहा सपा में वापसी का कोई इरादा नहीं। शिवपाल के सपा में लौटने के कयास पर लगा विराम। मुलायम शिवपाल अखिलेश के एक होने की उम्मीदों को झटका। सपा परिवार से एक बड़ी खबर आई है। बसपा अध्यक्ष मुलायम के छोटे भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल ने जो बयान दिया है उससे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से उनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। अटकलें ये थी कि सपा की करारी हार के बाद शिवपाल की सपा में वापसी हो सकती है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने सपा में वापसी को लेकर लंबे समय से जारी सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अब हमारा फोकस पार्टी के विस्तार और उसे बढ़ाने पर है। इसके लिए जल्द ही पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की एक बैठक होनी है। शिवपाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी की पत्नी का हाल पूछने अस्पताल पहुंचे थे। भाई मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। बोले सपा में वापसी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो ये भी बोले कि परिवार के बीच कोई गिला शिकवा नहीं है। इस तरह की सभी बातें बेबुनियाद हैं। फिलहाल उनकी पार्टी का फोकस 2022 के चुनाव पर है, जिसकी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। लेकिन सियासी गलियारों में शिवपाल के बयान को काफी अहम माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कभी खुद सपा में जाने के इच्छुक शिवपाल ने शायद अब अलग राह चुनना ही बेहतर समझा और उनका बयान भी इसी तरफ इशारा करता है।